How did you feel when you found out? I don't know. I don't know. Hello everyone. Assalamualaikum. Welcome to a very special episode of Already Grown Up. Thank you for finishing my sentence. Yeah. Why is this episode so special, Zamil? Because it's about something that we've held inside for the past 3-4 months, and you know, humne kisi ko bataya nahi. So and I've literally held inside me for the past 5 months, alhamdulillah. And 5 months ho gaye yaar. 6 hone wale hain actually. Kamaal hai bhai, kamaal hai, kamaal. Yeah, so alhamdulillah we are pregnant and it still feels sort of odd to share it kyunki humne jab isko announce kiya that was by accident, so we weren't fully ready. Yeah. But ab ho gaya to ho gaya, and we thought, and plus I feel like generally log jo hain wo is cheez ke bare mein itna baat nahi karte online. So there's always that question ke acha, do we share it, do we not share it, how much do we share it? Yeah, you know. So and abhi tak like on my own profile I haven't been openly able to talk about it. Yeah, like I don't know, wo mujhse bhi log poochte na mai podcasting mujhse pata nahi kisi ne Ali ne usne bola congratulations apne samajh nahi aaya ka maine literally kaha aise usse bhi joke mara hai. Yeah, maine bhi chips khaye hain, ki chips to nahi hai, nahi behtri mein. Acha, सो हम अपनी जर्नी जो अभी तक रही है विद प्रेगनेंसी वो आके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे, एंड दोनों मिलके करना चाहते थे इस चीज़ के बारे में बात कि क्या हुआ और कैसे हुआ और फिर हमने क्या किया. सो आई थिंक एक्सपीरियंस किया, क्या एक्सपीरियंस किया. आई थिंक लेट्स स्टार्ट ऑफ विद यू फाइंडिंग आउट, या एंड देन यू टेलिंग मी, बिकॉज़ आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क यू नो हाउ डिड यू टेल मुज़म्मिल. Yeah. The fail method of how you wrote with Amir. So basically, I know log bahut fancy cheeze bhi karte hain, bahut properly announce karte hain stuff. But ek to मेरा ये था कि मुजम्मिल ऑलरेडी न्यू कि मैं जाके टेस्ट दे रही हूँ. या तो मुजम्मिल को ना पता होता तो फिर देन आई वुड हैव प्लान्ड समथिंग बिगर एंड इट वुड हैव कम एज अ कंप्लीट सरप्राइज टू हिम. लेकिन ही न्यू कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो सर कि मैं जाके टेस्ट हुआ है, टेस्ट हुआ है तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ तो आना है. राइट राइट. So I went to the hospital, I gave a blood test because मैंने जो at home test लिए थे वो negative आ रहे थे, अजीब से आ रहे थे. So, I think it was too early as well for that. So well, that's not what the tests say, but what they test would be lying. So I gave the blood test and I found out. उस वक्त मुजम्मिल office में काम कर रहे थे, मतलब he was at his workplace and मैं अकेली थी. तो पहले तो जब मैंने एक तो जब आपकी ब्लड रिपोर्ट आती है प्रेगनेंसी की तो उस पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखा होता, उस पर नंबर लिखा हुआ होता है कि आपका जो ACG एंजाइम है वो उसके क्या लेवल्स हैं. तो इफ़ यू आर प्रेगनेंट तो वो हाई होते हैं वरना वो नहीं होते हैं. तो थोड़ा सा आपको टाइम लगता है टू सॉर्ट ऑफ रजिस्टर कि अच्छा ये है कि नहीं, मैं प्रेगनेंट ही हूँ, क्योंकि उस पर ही नहीं लिखा होता प्रेगनेंट, उस पर ही नहीं लिखा होता पॉजिटिव. तो 2 मिनट लगते, मैंने हॉस्पिटल में खोल के देख लिया था और मैं बस 2 मिनट उसको सिंक ही नहीं कराती रही. उसके बाद मैं घर आई और उसके बाद जब मैं घर आई तो मैं इतनी आई डोंट नो द वर्ड फॉर दैट स्टेट. एक तो क्योंकि मैं अकेली थी बिल्कुल घर पे और मैं किसी और को बताना भी नहीं चाहती थी. सबसे पहले मैं ऑब्वियसली मुजम्मिल को बताना चाहती थी और मैं मुजम्मिल को फ़ोन करके भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. तो मेरा दिन उस दिन बस एक स्टॉप लग गया था. उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैं आई और मैं अपने लाउंज के सोफे पे बैठ गई और बस बैठ गई और मुझसे कुछ भी नहीं हुआ. एंड आई वाज जस्ट फ्रोजन देयर फॉर सो लॉन्ग. फिर मैंने सोचा अच्छा मुजम्मिल को बताना ही है तो कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कर देती हूँ. तो लेकिन मुझसे वेट नहीं हो रहा था. मुजम्मिल ने मुझसे मैसेज करके पूछा कि व्हाट अबाउट द रिजल्ट. बाय द वे, व्हाई वुड यू डू दैट? क्या मुझे पता है आप गई हैं तो क्या मुझे क्यूरियोसिटी नहीं हो रही? ऑब्वियसली बात है यार, मैं भी देख रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. अब मैं मुजम्मिल को इसने टेक्स्ट पे क्या बताऊँ? So I wrote it's negative. ठीक है, ये मैंने बता दिया. अच्छा वो बड़ा इस तरीके का क्यों, so disappointing, it's negative, ये वो इस तरह हो गया. हाँ. अच्छा मैंने 2 सेकंड सोचा, मैंने कहा अच्छा पता नहीं गेम तो नहीं हो रही, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है बड़ा, मैं भाई बिजी भी था, मैंने कहा ठीक है चलो घर जाके देखते हैं सी क्या सूरत हाल है. फिर क्या हुआ?
फिर उसके बाद कोई तकरीबन ये 2:30 बजे की बात है, मेरा 2:30-3 बजे की बात है, उसके बाद 4:30-4:30 बजे ना मैसेज आना शुरू हो गए, ओ आई मिस यू, वेर आर यू, वेन आर यू कमिंग हो. अब कभी जिंदगी में याद नहीं किया, कभी को पूछा नहीं, कभी कोई नहीं. पता लग रहा है बंदे ने मैसेज किया, फिर बंद किया, फिर कुछ किया, फिर मैसेज किया. मैं सोच रहा यार इतना क्या हो गया ना. Why did you read so much into those messages anyway? वैसे ही मतलब ये तो एक बंदा वैसे ही देखता है, मैसेजेस खोलता है, देखता है क्या चल रहा है. मेरा ये बिहेवियर जस्ट गिव इट अवे बेसिकली. एंड खैर मीनवाइल मैंने सोचा अच्छा मैं कुछ करती हूँ. मैंने बहुत सारा पिंटरेस्ट और गूगल किया कि कैसे अपने हस्बैंड को बताना चाहिए. वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी और पता नहीं क्या क्या था, बट इट वाज ऑल वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि जाके आप ये खरीदें तो वो खरीदें तो फलाना प्रिंट कराएं तो ये कराएं. आई एम नॉट डूइंग दैट, हु हैज द एनर्जी फॉर दैट. एंड आई हैव टू टेल हिम टुडे because that would take a few days. Yeah. इतने time मैंने अपने पेट में ये बात नहीं रखनी थी. So then what I did was के मैंने कहा हम मिलाएंगे, फ्रिज खोलेंगे. तो instead of me telling him, he'll find a surprise in the fridge. तो मैंने क्या किया कि मैंने एक पेपर पे लिख के फ्रिज के अंदर रख दिया, स्टिक कर दिया. स्टिक कर दिया नहीं, फ्रिज के अंदर आपने रखा और उसके ऊपर आपने पेप्सी रख दी. नहीं, फ्रिज के अंदर स्टिक किया था. हाँ, फ्रिज के अंदर स्टिक किया. अच्छा. और बस फिर मैंने वेट किया. हाँ, फिर मैं आया. फिर हमने इसी तरह पड़ी हुई थी अगर पीछे गई ना, यहाँ पड़ी हुई थी. ठीक है. I was just like, अच्छा. फिर मैं बैठ गया कि मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, क्या चल रहा है, क्या हो रही है. आपको शक था? फुल मुझे फुल शक था. शक थे मेरा पक्का. किस तरह हुआ? मुजम्मिल वो फ्रिज से पेप्सी ला दें. आप खुद उठेंगे जाके ले आएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही. लॉकडाउन का जमाना है, वैसे यार बंदा बड़ा मोबाइल हुआ है. मुजम्मिल पेप्सी ला दे. मैं कहा अच्छा ला देता हूँ. मुजम्मिल पेप्सी ला देना यार. बस कंफर्म मुझे पता था मैं फ्रिज में जाऊंगा और यहां पर ये सीन चल रहा है. दैट्स व्हाई हिज रिएक्शन वाज वेरी फेल. यू गाइस कैन वॉच इट. आई हैव द वीडियो. यू हैव द वीडियो? या. अच्छा. मुझे पता नहीं क्यों लगा था जो आपने ये डिस्कशन स्टार्ट किया. व्हाई इज दिस प्ले बाय प्ले? व्हाई आर यू नॉट इवन अ लिटिल बिट सरप्राइज्ड? अच्छा दिखा तो दे इसमें क्या है. आई डिडंट इवन राइट प्रेग्नेंट. So that happened. Yeah, that was really fail. But how did you feel when you found out? Then Muzammil had like no reaction. Muzammil was like, मुझे पता था. I knew it. I think to be सच्ची में बात बताऊँ ना मैं without the whole oh my god butterflies and मुझे कुछ समझ नहीं आया उस time. हाँ same here, confused. कुछ समझ नहीं आया कि अच्छा अच्छा ये हो गया. चलो ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये भी हो गया. कुछ दिन बाद जाके मुझे समझ आना शुरू हुई और कुछ महीनों बाद जाके मुझे एक दिन हिट किया कि वो बहस ये क्या हो रहा है. 10 साल का तो काम करना पड़ेगा मुझे, डाइपर चेंज करने पड़ने हैं, तो पता नहीं ये करना है वो करना है. तो वो अभी भी आई फील लाइक कि मेरा जो हिट हुआ है वो मुझे 20% हिट हुआ है, वो 100% वाला जो है ना वो अभी जाहिर है. हाँ, naturally. होना है, होना है. But, उसके बाद हमने फैमिली में अनाउंसमेंट्स की. दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग, अ लॉट ऑफ फन, लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट. नो आई एम नॉट. आई एम सो हैप्पी. व्हाट द फक. आई डोंट इवन नो व्हाट टू से मैन. दैट्स क्रेजी. एवरीथिंग इज हैपनिंग आल्सो बिकॉज़ नाउ यू हैव बिकम अ ग्रैंडमदर. आप लोग नाना दादा दादी बनने लगे हैं फिर से. वीडियो तो दिखाएं उधर करें. अपनी शक्ल तो दिखाएं प्लीज. उसके बाद बेसिकली देन बिगैन द फर्स्ट
trimester and it's horrors. What? The baby's gotta make me stuff and I gotta sleep all day. Nonsensical.